हेलो नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल रेलवे क्रिकेट्स में। आपका फ्रेंड्स 4 अप्रैल थर्ड शिफ्ट का पेपर मैं लेके आ गया फ्रेंड्स, पूरा का पूरा मोस्ट ऑथेंटिक 100% एक्यूरेसी के साथ। फ्रेंड्स आरपीएफ कांस्टेबल ट्रेडमेंट का क्वेश्चन आपका एग्जाम हुआ था थर्ड शिफ्ट में, बहुत सारे क्वेश्चन मुझे भाई द्वारा जितने भाई बहनों द्वारा दिए गए हैं सारे के सारे मैं लेके आ गया फ्रेंड्स। कम्युनिटी टैब में सारे के सारे क्वेश्चन मैं लेके आ गया हूँ। फटाफट देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स संघ सूची में क्वेश्चन पूछा गया था क्या, संघ सूची में कुल कितने विषय हैं, संघ सूची में कुल कितने विषय हैं। देखिए फ्रेंड्स ऐसे तो 97 आंसर में होगा लेकिन 100 टोटल विषय हैं। आपको कैसे 100 विषय हैं आपको मैं इस नोट में दिखाता हूं फ्रेंड्स कि किस प्रकार से इसके 100 विषय हैं। चलिए देखते हैं नोट में, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड्स संघ सूची भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित कुछ विषयों की सूची है जिसमें दिए गए विषयों पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। संविधान लागू होने के समय इसके अंतर्गत 97 विषय थे परंतु वर्तमान में 100 विषय हैं। संघ सूची के कुछ विषय देखिए, सेना, रक्षा, विदेशी मामले, रेल, डाक, बचत, परमाणु ऊर्जा, नागरिकता, संचार, मुद्रा, करेंसी, भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकिंग, बीमा, स्टॉक विनिमय, स्टॉक एक्सचेंज, जनगणना, आयकर तथा निगम कर, ये सारे के सारे संघ सूची में आने वाले कुछ सूचियां हैं जो आपके संविधान के 7वीं अनुसूची के में वर्णित किए गए सूची हैं। समझ में आ गया फ्रेंड्स, सारे के सारे आपको आंसर मिल गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स एक क्वेश्चन पूछा गया था, इंडियन फ्लैग अडॉप्टेड ईयर, एक आपको क्वेश्चन ये मिलेगा इंडियन फ्लैग अडॉप्टेड ईयर ये कब हुआ था फ्रेंड्स। देखिए ऑन जुलाई 22, 1947 में द कंस्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड इट एज फ्री इंडियन नेशनल फ्लैग। आफ्टर द एडवेंट ऑफ इंडिपेंडेंस द कलर्स रिमेन्स द सेम। देखिए जब भारत का जो इंडिपेंडेंस हुआ था उस समय जो कलर जो थे वो सारे सारे सेम थे, बट जो क्या हुआ था जब उसको फ्लैग को हमने अडॉप्ट जब किया था, हमारे जो भारतीय जो फ्लैग है उसको जब हमने अडॉप्ट किया जो उसका वर्ष था वो 1947 था। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था क्या, बाय हुम प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड, किसके द्वारा प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स ऐसे तो मैंने लिखा है कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, उनके द्वारा चुने जाते हैं। देखिए आपको आंसर में क्या मिलेगा, देखिए आपको समझ में आ जाएगा। देखिए आंसर में आपको क्या लिखा हुआ है अच्छे से देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स आपको आंसर में देखिए क्या देखने को मिलेगा, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्यों के एवं केंद्रों के केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्यों को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि राष्ट्रपति सीधे जनता द्वारा, देखिए आपको क्या लिखा है, सीधे जनता द्वारा नहीं चुना जाता, सीधे जनता द्वारा नहीं चुना जाता। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से केवल संक्रमणीय मत पद्धति से समानुपातिक प्रणाली के आधार पर होता है। देखिए फ्रेंड्स आपको देखिए जनता द्वारा भी होता है और आपके केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा, देखिए लोकसभा और राज्यसभा के केंद्रों द्वारा, सारे के सारे मंडलों द्वारा इसका चुनाव होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स क्या क्वेश्चन पूछा गया। देखिए महात्मा गांधी की हत्या कब की थी, देखिए मैंने बताया था कि इसमें मैंने दोनों लिख दिया था, कब हुई थी और किसने की थी। सभी ने बच्चों ने भी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि महात्मा गांधी की जो हत्या हुई है नाथूराम गोडसे द्वारा की गई है। ठीक है, अब 30 जनवरी 1948 में की गई है, कब की गई है 30 जनवरी 1948 में की गई है। एक क्वेश्चन पूछा गया था क्या, रुक्मणी देवी, देखिए रुक्मणी देवी क्यों, उसमें इनका पूरा नाम क्या है, रुक्मणी देवी अरुंधोले। ठीक है, ये एक इंडियन क्लासिकल डांसर हैं जिनको भरतनाट्यम के रूप में, भरतनाट्यम भी आता है, बहुत सारी कुचिपुड़ी हर प्रकार के नृत्य में ये परिपूर्ण हैं और इनको देखिए पद्म भूषण भी मिल चुका है। ठीक है ना, और ये किस क्षेत्र में से, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडियन क्लासिकल डांसर है जिनकी जन्म हुआ है, इनका जन्म हुआ था 19 फरवरी 1904 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 24 फरवरी 1986 में हुआ था। ये कितनी वर्ष की थी, 81 वर्ष की थी और ये इंडियन क्लासिकल डांसर थी। समझ आ गया फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैट का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो वैट का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स वैल्यू एडेड टैक्स। देखिए आज वाणिज्य के क्षेत्र से देखिए दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक वैल्यू एडेड टैक्स, देखिए एक वैट का क्वेश्चन पूछा गया है और एक संघ सूची में टोटल कितने, तो ये भी एक है इंक्लूडेड है इसी के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, तो लेकिन ये संविधान से आता है लेकिन मैं इसको बोल सकता हूँ, एक ये वाणिज्य क्षेत्र का एक क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। लोटस टेम्पल पूछा गया था फ्रेंड्स कि लोटस टेम्पल कहाँ पर स्थित है। लोटस टेम्पल हमारे दिल्ली में स्थित है और ये 8वां अजूबा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा लोकप्रिय भी है और इसमें देखिए फ्रेंड्स आपको पैसे भी नहीं लगते अंदर जाने में। ठीक है,
सुल्तान ऑफ जोहोर कप, देखिए फ्रेंड्स एक क्वेश्चन पूछा गया था सुल्तान ऑफ जोहोर कप ये किस खेल से संबंधित रखता है, तो ये देखिए फ्रेंड्स आपका हॉकी खेल से संबंध रखता है सुल्तान ऑफ जोहोर कप, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कमवार किस पर्वत पर है, मैं क्वेश्चन कंफर्म नहीं हो पा रहा, क्वेश्चन समझ नहीं पाया फ्रेंड्स, इसलिए मैं इसका आंसर नहीं लिख पाया। देखिए और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अंग जनपद की राजधानी कहाँ पर है, ये भी क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया। देखिए हमारे देश में जनपद और महाजनपद होते हैं, जनपद और महाजनपद होते हैं लेकिन वो आपकी राजधानियों से रिलेटेड नहीं होता है, वो हमारी जो डिफरेंट होता है ये जनपद और महाजनपद राजधानियों के अलावा क्वेश्चन ये बनता है, ठीक है। मैं इसका भी क्वेश्चन समझ नहीं पाया इसलिए मैंने इसका आंसर नहीं दिया। देखिए फ्रेंड्स ये सारे के सारे क्वेश्चन हमें किसी ने भेजा है, राजू सियादरी ने, इनका बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। और देखिए इनका एग्ज़ाम जो है ना बहुत ही अच्छा जाए मैं खुद आशा करूँगा, ठीक है, क्योंकि इन्होंने सारे के सारे क्वेश्चन मुझे सेंड किए हैं हमारे कम्युनिटी टैब में। देखिए कल एग्ज़ाम होगा, कल के एग्ज़ाम के सारे क्वेश्चन आप अगर कम्युनिटी टैब में सेंड करते हो आपका बहुत मेहरबानी होगा और आपको मैं दुआएँ दूंगा। और ऊपर से क्वेश्चन देखिए सेंड करते हो तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाता है दूसरे बच्चों को कि किस टाइप का पैटर्न आएगा, ठीक है। कन्फ्यूज मत होइएगा, आप टेंशन मत लीजिएगा कि आपके जो क्वेश्चन आए हैं सेम टू सेम दूसरे के क्वेश्चन आएंगे, नहीं, लेकिन पैटर्न अगर पता चलता है दूसरों को तो उनके भी एग्ज़ाम शायद अच्छे हो सकते हैं, ये कन्फ्यूज मत होइएगा फ्रेंड्स। इसमें भी माइनस नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 है, तो टेंशन मत लीजिएगा, आपका जो एग्ज़ाम हुआ है आपने जितना मेहनत किया है उतना आपको मिलेगा, ठीक है ना, तो कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, प्रॉफिट एंड लॉस के और एवरेज के क्वेश्चन आज मैथ में पूछे गए जा रहे हैं, इन्होंने राजीव सियादरी द्वारा ये भेजे गए क्वेश्चन है। देखिए मिरर इमेज और एनालॉग से क्वेश्चंस, एनालॉजी से क्वेश्चंस पूछे गए हैं जा रहे हैं। और एक क्वेश्चन पूछा गया था सिटिंग अरेंजमेंट से, देखिए सिटिंग अरेंजमेंट में PQRS लेकर एक क्वेश्चन बनता है, या PQRS हो जाए या ABCD, इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है आपका सिटिंग अरेंजमेंट से। ब्लड रिलेशन से देखिए फ्रेंड्स पूछा गया था फ्रेंड्स DI जो डेटा इंटरप्रिटेशन है जिसमें आपको बार ग्राफ, पाई चार्ट, मेंसुरेशन के क्वेश्चंस मिलते हैं। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, देखिए सर्कमफ्रेंस सर्कल का सर्कमफ्रेंस दे रखा था जिसमें आपको एरिया फाइंड आउट करनी है। देखिए आपको एरिया सर्कमफ्रेंस का एरिया जो है ना उसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, उसमें आपको फॉर्मूला पुट करने से आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, LCM और HCF का 2 नंबर का दे रखा था जिसमें आपको टाइप इस टाइप का कुछ प्रॉब्लम था, इस टाइप के कुछ सम्स थे, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अंकित मूल्य पर 30% की छूट है, अंकित मूल्य जो दे रखी थी उसमें 30% की छूट है, 25% का लाभ और 8,750 पर, सॉरी फ्रेंड्स ये डबल हो गया, 850 पर बेचा गया, 850 पर बेचा गया, तो अंकित मूल्य क्या होगा, अंकित मूल्य इसमें फाइंड आउट करनी है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि फ्रेंड्स 2 रेलगाड़ी जिसकी चाल का अनुपात 7:8 है, दूसरी 4 घंटे में 400 बार चक्कर लगाती है, तो पहली का जो चाल है वो किलोमीटर पर आवर क्या होगा, इस प्रकार से रेलगाड़ी के ऊपर क्वेश्चन था। देखिए मैंने फ्रेंड्स जो बताता हूँ आपको करेक्ट बताता हूँ, पूरे यूट्यूब के चैनल में आपको मिल जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे फ्रेंड्स, लेकिन हमारे जो चैनल है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, आप इसमें ट्रस्ट कर सकते हो फ्रेंड्स, और आप क्वेश्चंस को सेंड करके आप ट्रस्ट कर सकते हो, क्योंकि हमारा जो चैनल है बहुत मेहनत करता है फ्रेंड्स, क्वेश्चंस को कलेक्ट करता है। आप देखिए जो भी क्वेश्चंस सेंड करते हो हमें कम्युनिटी टैब में, और जो बच्चे हमें ईमेल करते हैं सेंड करते हैं वो क्वेश्चंस भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं, तो क्वेश्चंस को मिलने से ही आपको क्वेश्चंस मिलते हैं फ्रेंड्स। देखिए कन्फ्यूज मत होइएगा, बहुत सारे क्वेश्चन जो भी मिलते हैं आपको सेंड कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो एक लाइक करिएगा फ्रेंड्स, एक सब्सक्राइब करिएगा और चैनल को शेयर कर दीजिएगा अपने जितने व्हाट्सएप ग्रुप हैं, ठीक है ना, बस छोटी सी विनती करता हूँ आपसे। एक संख्या का देखिए फ्रेंड्स 12.5% दे रखा है जिसका देखिए 2247.5 है, ठीक है, उसमें संख्या ज्ञात करना था, क्या ज्ञात करना है, संख्या उसका ज्ञात करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स बस एक छोटी सी विनती होगी, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, थैंक्स, बस यही मैं लिखना चाहता हूँ अपने हर वीडियो में, ठीक है। तो क्वेश्चंस का पूरा PDF मिल ले लीजिएगा फ्रेंड्स, पूरा PDF ले लीजिएगा, PDF आपको हेल्प कर सकता है आपके कल के एग्जाम के लिए। और अभी देखिए फ्रेंड्स एक सेट लगाऊंगा जिसमें सेट को लगाने के बाद आपको 1000 जो वीडियो का जो PDF है आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो PDF लेने के बाद आप पूरा का पूरा शेयर करिएगा, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।